हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम आए हैं इको पार्क पटना। देखिए ये MiG-21 है, लड़ाकू विमान। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कैसा लगा। पटना में आइए तो इको पार्क जरूर घूमने आइए, घूमने के लिए बहुत अच्छा है पार्क। ये रेस्टोरेंट है, चाय कॉफी पीजिए, एंजॉय कीजिए। यहाँ पानी गिरता है पहाड़ों से, लेकिन अभी गिर नहीं रहा है। शायद बंद किया गया है। आज मौसम थोड़ा बारिश का था, इसके वजह से थोड़ा कम भीड़ है। यहाँ पर राइडिंग करने के लिए टिकट है, देख सकते हैं कितना टिकट है। ये इको पार्क में खतरों के खिलाड़ी जैसा है। देखिए ये लोग अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तार पे स्लाइडिंग करके अब जा सकते हैं एकदम। वाह, लोग रस्सी से इधर से उधर जा रहे हैं। देखिए इसका आनंद ले सकते हैं, इको पार्क में बहुत अच्छा लग रहा है। ये है खतरों के खिलाड़ी। धीरे धीरे निकल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत है इको पार्क, आप भी पटना आइए और इको पार्क घूमिए। सचिवालय के जस्ट पीछे है और चिड़ियाघर से 5 मिनट का रास्ता है, चिड़ियाघर के बगल में ही है। आप आइए घूमिए, आनंद लीजिए इको पार्क का। ये छोटे छोटे बच्चों का झूला है, स्लाइडिंग है। बच्चे लोग भी काफ़ी मस्ती करते हैं यहाँ पे। बच्चों को भी लाइए यहाँ और इंजॉय कराइए। देखिए ये बच्चे हैं, बगल में एयरपोर्ट है, जा रही है विमान। ये बच्चे सब हैं, खेल रहे हैं। हाँ
देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। यहाँ पर वॉकिंग करने के लिए बहुत अच्छा है मॉर्निंग में, जो मान लीजिए कि आसपास के लोग होंगे वो तो आते होंगे यहाँ पे वॉकिंग करने, रनिंग करने के लिए। देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, माइंड एकदम रिफ्रेश हो जा रहा है। सही में यार, यहाँ आके लग रहा है कि हम बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, देख रहे हैं ना बैकग्राउंड में मेरे कितना अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, लग रहा है जैसे मैं यहीं रुक जाऊँ। देख रहे हैं वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है। आप पटना में आइए तो इको पार्क ज़रूर घूमिए, इको पार्क नहीं घूमिएगा तो समझिए कुछ नहीं देखे हैं, इको पार्क ज़रूर देखें। देखिए बहुत बड़ा है, हम पूरा नहीं घूम पाएंगे, बीच बीच में ऐसे ही कट करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, प्यार आशीर्वाद दुलार देते रहिएगा, ठीक है। ओके गाइस, लव यू।